नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से मैंने लर्निंग वीडियो भी नहीं डाला हुआ है और स्टॉक व्यू भी नहीं डाला हुआ है, तो आज मैं आपको बंधन बैंक का स्टॉक व्यू दे रहा हूँ। बंधन बैंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बाय का पैटर्न बना रहा है और उसने एक अच्छा शॉर्ट टर्म बाय सिग्नल दिया हुआ है। मैं अभी फ़िलहाल उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म बाय सिग्नल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये तो लंबा बाय होने वाला भी है, लेकिन यही बॉटम बना के वो आगे निकल जाएगा। लेकिन लोगों को कैसे है कि अगर हम लंबा व्यू देते हैं तो भूल जाते हैं, तो इसके लिए जितना शॉर्ट टर्म देंगे उतना लोग याद रखते हैं, और शॉर्ट टर्म में एक बार टारगेट अचीव होने के बाद हम लोग दूसरा व्यू देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म व्यू आपको दे रहा हूँ। बंधन बैंक का, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जब से ओपन हुआ है आप देखेंगे एक करीबन 740 का हाई से अभी बंधन बैंक 229 पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 740 का हाई बना के 153 का लो बनाया, उसके बाद 153 का लो बना के 425 बना के नीचे के साइड में वो कंटिन्यूस रोल डाउन हो रहा है। अब रोल डाउन होते हुए अभी एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोल डाउन होते हुए हमको क्या देखना है कि जो भी हाई बनता है उसका अपवर्ड एंगल अगर क्रॉस होता है तो हमारा बाय होएगा। रोल डाउन का मतलब है डाउन ट्रेंड में है, सिंपल चीज़ है। कोई भी अगर चीज़ डाउन ट्रेंड में है तो वो बाय कभी होगी, तो वो तभी बाय होगी जब उसका हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने यहाँ से देखा, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक हाई बनाया, ये भी हाई बनाया, ये हाई से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हो, लेकिन मेरा बाय का कंडीशन ये है कि लो के नीचे लो रहेगा तो ही मैं वो हाई का अपवर्ड एंगल डालता हूँ, तो इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप इसको आप पकड़ के चलिए कि ये जो है, ये जो है, ये आप देखेंगे ये हाई से ये एक लो बना, उसके बाद एक नया हाई बना। इसके लिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड एंगल डालने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आई, इसके बाद ये लो टूटा, ये लो टूटने के बाद अगर हमने हाई के ऊपर अपवर्ड एंगल डाला, ये लो और ये लो के बीच का हाई के ऊपर अगर अपवर्ड एंगल डाला तो वो क्रॉस नहीं हुआ, उसके बाद अगेन ये लो टूटा और नया लो बना, तो उस वक्त उसके बीच का जो हाई का अपवर्ड एंगल है वो डाला, वो क्रॉस नहीं हुआ। इसके बाद ये लो टूटा, ये लो बना, हमने शिफ्ट किया हाई के ऊपर, उसके बाद ये लो टूटा और ये लो बना। ये बीच का आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता है और लो टूटता नहीं है तब तक हमको इसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। तो अभी ये लो टूटने के बाद ये लो टूटा, तो अभी हमको यहाँ पे एक ये हाई पे हमने शिफ्ट कर दिया अपवर्ड एंगल को। अब क्या हुआ है कि ये लो टूटा और ये लो बना, तो अभी हमको अपवर्ड एंगल को जो है अपवर्ड एंगल को हमको शिफ्ट करना है, तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। अब क्या है कि यहाँ पे आने के बाद आपको बाय कहाँ पे होने वाला है, तो 265 के ऊपर बाय होने वाला है। लेकिन अगर आप क्लोजली देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये शॉर्ट टर्म एरिया में, जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा, आपने अपवर्ड एंगल डाला, नहीं क्रॉस हुआ, ये लो के नीचे ये लो मारा, अपवर्ड एंगल डाला, क्रॉस नहीं हुआ, फिर ये जैसे ही इसने ये लो के नीचे ये लो मारा, अपवर्ड एंगल डाला, तो ये यहाँ पे क्रॉस हुआ। अब क्रॉस होते वक्त हम लोग हर बार सेकेंड कैंडल को इम्पोर्टेंस देते, जैसे कि क्रॉस, ये अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है, हाई के ऊपर का अपवर्ड एंगल जब भी क्रॉस होता है
जो भी फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग देता है, सेकेंड कैंडल जो है उसके हाई के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो ये सेकेंड कैंडल का हाई जो है वो 225 रुपया का हाई था। उसके बाद उसने एक दो दिन ये 225 के कैंडल के अंदर ही उसने ट्रेड किया, और उसके बाद तीसरा जो बाय कैंडल किया उसका हाई किया 228। तो यहाँ पे 228 में ये बाय सिग्नल कंफर्म हुआ है। अब ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये जो अपवर्ड एंगल है, ये अपवर्ड एंगल से ये अपवर्ड एंगल तक की जर्नी बहुत जल्दी तय होगी, और वो 265 तक का टारगेट फिक्स आ जाएगा, और 265 के ऊपर एक्चुअली नया तेजी शुरू होने वाला है। इसके लिए मैंने कहा कि ये जो लो है वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए भी बन सकता है। और अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल देखते हैं, जैसे कि आपको अगर डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल पता नहीं है, तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो प्लीज़ आप जाके रेफर कर सकते हो। नए व्यूवर्स जो भी है, आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर आएगी। ये GAN-45 के एंगल है, और GAN-45 टुकड़ों में यूज़ करके मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ पीछे के वीडियो रेफर कीजिए। जैसे कि ये अपवर्ड एंगल मैंने डाउनवर्ड एंगल यहाँ से डाला, तो यहाँ से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद हमको ये करीबन 363 का एक टारगेट मिल रहा है। और अगर हम लोग ये हाई से, जैसे कि ये हाई से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, तो हमको करीबन एक 244 का लेवल आ रहा है। तो मतलब क्या है कि 244, 245 के यहाँ पे हमको कंफर्मेशन और बढ़ेगा कि ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। मतलब 265 के ऊपर ये 360 का टारगेट देने वाला है। तो 360 का टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन अभी मेरा फर्स्ट टारगेट 265 रहेगा, और ये वीडियो मैंने सिर्फ 265 के टारगेट के लिए बनाया हुआ है। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो आप बंधन बैंक को आप खुद एनालिसिस करके इसमें आप ट्रेड कर सकते हो 265 के टारगेट के लिए। आप जब भी ट्रेड करेंगे, आपके ट्रेडिंग सलाहकार जो रहेंगे उनसे पूछ के आप ट्रेड कर लीजिए। 265 का टारगेट के लिए ये स्क्रिप्ट रेडी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।